सपा हो या कांग्रेस, यूपी में दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले सपा के कई नेताओं पर दुष्कर्म के आरोप लगे, तो वहीं अब कांग्रेस के एक नेता पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के कई नेताओं के साथ आरोपी जिलाध्यक्ष की फोटो भी वायरल हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस को काफी ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल ये मामला है संभल की सदर कोतवाली के गांव मोहम्मदपुर टांडा का, और आरोप लगा है संभल के जिलाध्यक्ष विजय शर्मा पर। बता दें कि चंदौसी की रहने वाली एक महिला जो पहले कांग्रेस कार्यकर्ता थी, उसने पुलिस में शिकायत दी है। उसने बताया कि 3 सितंबर 2023 को कांग्रेस जिलाध्यक्ष विजय शर्मा ने फोन पर गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द कहे। फिर 6 सितंबर को उसे मिलने के लिए बुलाया और अपने 3 साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। पीड़िता ने लगातार अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद कोतवाली संभल पुलिस ने विजय शर्मा, दीपांशु, नीतीश और अरुण के खिलाफ FIR दर्ज की। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा पहले से ही 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में 16 अक्टूबर से जेल में बंद हैं। ये जनपद संभल में है और ये सदर कोतवाली इलाका है, जहाँ पर मुकदमा दर्ज विजय शर्मा जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। अभी उनकी मुश्किलें कम होती नहीं आ रही है लगातार, क्योंकि विजय शर्मा इस टाइम जेल में है। 16 तारीख को उनको जेल भेजा गया था रंगदारी के मामले में। फिलहाल उनके खिलाफ और उनके 3 साथियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा दर्ज बताया जा रहा है कि जिस तरह से गैंग रेप का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के विजय शर्मा मुकदमा दर्ज किया है, और बताया जा रहा है कि जिस तरह से 16 तारीख को, ये 23 सितंबर का मामला था जब एक महिला को बुलाया गया बहाने से, और वहां उसके साथ उसके 3 साथी ने उसके साथ गैंग रेप किया। फिलहाल SP कृष्णी से उंगली उनके खिलाफ तहरीर के आदेश पर सदर कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पूरी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जो अक्टूबर में लगातार जेल में है, वो रंगदारी के मामले में विजय शर्मा जेल में है। अब देखना ये कि जिस तरह से लगातार विजय शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब पहले रंगदारी का मामला मुकदमा दर्ज हुआ, इसके अलावा उनसे 5.5 लाख रुपए का एक मामला और सामने आया था, जिन्होंने एक पुलिस कर्मचारी के बेटे से ही नौकरी लगाने के पैसे लिए थे, उसका भी मुकदमा चल रहा था। अब तीसरा मुकदमा, एक जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो गैंग रेप का है। फिलहाल किस तरह से और कानून कार्रवाई आगे की जाती है ये तो आने वाला बताएगा, लेकिन फिलहाल विजय शर्मा सलाखों के पीछे हैं। विजय दानिश गौरव के साथ संबल मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।